हाय एवरीवन। तो यार बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग यार फोकस नहीं कर पाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे, उन लोगों को मोटिवेशन नहीं आती है। तो अभी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, देर आर अबाउट 4 मंथ्स। तो यार आज है संडे और मेरे पास टाइम भी है, तो मैंने सोचा 10 घंटे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन करूँ और आप लोगों को भी इसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग DSA फॉर योर प्लेसमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी टाइम हो रहा है 11:01 और मैंने 11 से 2 ट्री करने का प्लान बनाया हुआ है, सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ ट्री क्वेश्चंस। यार मैं ट्री का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि यहाँ पर एक बग आ रहा था, और वो बग ये था कि आप देख रहे हैं ना, लाइन नंबर 23 में मैंने एक इंट एन बना रखा है, तो मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीजर एन, मैंने पाथ डॉट साइज डायरेक्टली यूज़ कर लिया था लाइन नंबर 24 में। और क्योंकि पाथ डॉट साइज एक अनसाइंड इंटीजर होता है, तो जब माइनस के कर रहा था तो एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था इंस्टेड ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू। इतनी देर से मैं सेरे में फंसा हुआ था। समटाइम दिस काइंड ऑफ एरर कम्स एंड इट ओनली यू कैन ओनली रिजॉल्व इट इफ यू हैव एवर फेस दिस काइंड ऑफ इशू बिफोर। सो प्लीज ट्राई टू डिबग योर ओन कोड, अपने आप से डिबग करने का ट्राई करो, सो दैट इस तरीके के जो एरर आते हैं इनमें आप स्टक ना हो। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। आज के दिन आपको कोडिंग निंजास के कोर्सेज पे मिल जाएगा 40% का डिस्काउंट अगर आप नीचे दी गई लिंक पे जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ वहां पर आप लोगों को स्पिन करने का व्हील मिलेगा, जिसको स्पिन करके आपको एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 60% डिस्काउंट ऑन ऑल कोडिंग निंजास कोर्सेज। इसके साथ साथ आप लोगों को एक फ्री बुक भी मिल जाएगी कोडिंग निंजास की तरफ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज के दिन अगर आप दी गई लिंक पे जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग जा सकते हैं। और जिनको कोडिंग निंजास के कोर्सेज के बारे में नहीं पता, तो ये कोर्सेज आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए होते हैं, आपके डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। और इन कोर्स का बेस्ट चीज़ ये है कि लेट अस से कोर्स करते करते आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो आपको 1-on-1 TA सपोर्ट मिल जाता है, आपका डाउट तुरंत एक TA आकर के सॉल्व कर देता है। तो इसलिए आप कहीं पर एक पॉइंट पे स्टक नहीं रहते। ऑल्सो दीज कोर्सेज आर डिजाइंड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो कि ऑलरेडी फेसबुक एंड अमेजॉन जैसी कंपनीज में काम करके आ चुके हैं। सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो यार 2 बजने वाले हैं एंड आई एम डन सॉल्विंग 3 क्वेश्चंस। मैंने लगभग यहाँ पर 3-4 हार्ड क्वेश्चन ट्री के सॉल्व किए एंड बाकी मीडियम एंड ईजी क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अभी मैं थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद अगेन आई विल स्टार्ट कोडिंग एंड दिस टाइम आई विल चेंज द टॉपिक। द टॉपिक विल बी ग्राफ। तो यार ग्राफ स्टार्ट करने से पहले लेट मी हैव माई लंच एंड साथ साथ एक बग रिपोर्ट हुआ है, सो आई विल हैव टू डीबग दिस। उसको करने के बाद देन आई विल स्टार्ट विद ग्राफ। सो सी यू राइट देयर। ऑलराइट गाइस, सो द टाइम इज 2:36, 2:36 हो चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ग्राफ क्वेश्चंस। और एक और चीज़, मैं आप जो क्वेश्चंस करने वाला हूँ आई विल बी डूइंग इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, सो दैट हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें अप्रोचेस वगैरह, और इस तरीके से आई विल बी एबल टू सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप लोग भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। अपने दोस्त के साथ बैठेंगे ना तो आप लोग ज़्यादा टाइम तक बैठ पाएंगे एंड ज़्यादा डिस्कशंस कर पाएंगे। एंड माई फोकस हियर विल बी टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस, एंड आई विल फोकस मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। बीच बीच में आपको दिखाता भी रहूँगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे, कितना टाइम लगा। मैंने बहुत टाइम से एक्चुअली ग्राफ अपना रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो मेरे को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आने वाली है हार्ड क्वेश्चंस में, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि कहाँ कहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम आई है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फाइनली आई एम डन विथ 4 हार्ड ग्राफ प्रॉब्लम्स। सो दीज प्रॉब्लम्स वर, एक तो ये था कपल होल्डिंग हैंड्स, एक था पाथ क्वालिटी, एक था शॉर्टेस्ट पाथ विजिटिंग ऑल नोड्स, और एक रिडंडेंट कनेक्शन 2। अब रिडंडेंट कनेक्शन 2 को करने में मेरे को बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स लग गए। सो बहुत अटैम्प्ट्स के बाद फाइनली इसका करेक्ट आंसर आया। देर वर सम केसेस जो कि मेरे को अलग से देखने पड़ रहे थे इसमें, तो था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो अभी टाइम हो चुका है 4:20 एंड मैं 5 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लूँगा, देन आई विल स्टार्ट विथ आइदर ट्राई क्वेश्चंस या फिर सेगमेंट्री के क्वेश्चंस या फिर ग्राफ के और क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो देख लेंगे।
तो अब मैं यार कुछ और ग्राफ के क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आई विल मेक नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस जो मैंने अभी किए हुए हैं, सो दैट जस्ट इन केस मुझे आगे चल के कभी रिवाइज करना पड़े तो मेरे को रिविजन में दिक्कत ना आए. आई जस्ट कीप अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विच आई हैव डन, तो उनसे मेरे को रिविजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. और अगर आपको जानना है कि नोट मेकिंग मैं कैसे करता हूँ, कौन से पॉइंट्स लिखता हूँ, कोड का कौन सा पार्ट लिखता हूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं ऑन नोट मेकिंग. तो यार मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस को डिफिकल्टी वाइज सॉर्ट किया और मैंने सोचा कि यार ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस सबसे कम है. और मैंने ये क्वेश्चन खोला तो मेरे को देखते ही स्ट्राइक कर गया कि कैसे ये काम करेगा. बट यार इसको करने में मेरे को 57 मिनट्स लग गए और ये 4 अटेम्प्ट के बाद एक्सेप्ट हुआ है. और इतना इसका बड़ा सा कोड लिखा है, ऑब्वियसली ये जो कोड है काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, बट मैं लिखते ही चला गया. जैसे जैसे ये 2-3 टेस्ट केसेस गलत आए इसको इम्प्रूव करते चला गया. बट एट द एंड ये हो गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो ही जाता है इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस हार्ड क्वेश्चन, और हार्ड में भी वो जिसकी एक्सेप्टेंस सबसे कम है. बट फॉर श्योर मैं इसके थोड़े बहुत नोट्स वगैरह बना के रख लूँगा सो दैट इन फ्यूचर अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं सो आई विल बी एबल टू टैकल देम इजीली. नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब फिर आप सारी प्रोग्रेस जितनी भी आपने करी है सारी जीरो हो सकती है. ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है. राइट नाउ द टाइम इज़ ओनली 5:55 और 9 बजे तक मेरे को कोडिंग करते रहना है. ठीक है, तो आपसे मिलते हैं बाद में. तो यार फाइनली अब 9 बजने वाले हैं और मैंने सुबह 11 बजे से कोडिंग करना स्टार्ट किया था, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 10 आवर्स. मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, ग्राफ के क्वेश्चंस किए, ट्री के क्वेश्चंस किए, किसी किसी क्वेश्चन में मेरे को काफ़ी टाइम भी लगा डिबग वगैरह करने में. तो ये वही है कि मैंने ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करी हुई थी रिसेंटली, तो जो भी नए क्वेश्चंस थे जो नए आ रखे हैं लीड कोड पे जो मैंने ट्राई कभी नहीं किए थे हार्ड क्वेश्चंस, उन्हें मेरे को कहीं कहीं पर टाइम लगा. सो इट इज़ ट्रू दैट टाइम आपको लगता है, कभी कभी इरिटेशन भी होती है वाई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट यू शुड नेवर गिव अप. अगर आपसे बहुत ज़्यादा देर तक सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग रेफर कर सकते हैं, हिंट्स रेफर कर सकते हैं, सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं. आज मेरे से क्या हुआ, एक क्वेश्चन में मैं बहुत देर तक स्टक रहा, बट मैं अप्रोचेस ट्राई कर रहा था, ऐसा नहीं था कि आई वॉज स्टक, आई वॉज ट्राइंग मल्टीपल अप्रोचेज एंड एट दी एंड आई वॉज एबल टू सबमिट दैट आफ्टर 3 रॉन्ग अटैम्प्ट, 4th अटैम्प्ट में मेरे से वो हो गया. तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाली वो फीलिंग थी. दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑन ग्राफ जो यहाँ पर लीड कोड पे जो अवेलेबल था. तो इस तरीके से आप लोग भी 10 आवर्स कोडिंग चैलेंज करिए. ठीक है, अब मैंने ये कोडिंग चैलेंज किया हुआ है जबकि आई एम ऑलरेडी प्लेस इन वर्किंग एट अ कंपनी. तो अगर आप लोग भी एक अच्छी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टेक दिस 10 आवर्स कोडिंग चैलेंज. कमेंट में जाके मेरे को बताना कि कितने लोग ये 10 आवर्स का कोडिंग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक कितने लोग ये 10 आवर्स DSA चैलेंज फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को. बस एक चीज़ है कि यार अपने साथ एक बंदा ढूंढ लेना जो आपके साथ कोडिंग कर सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जिसके साथ आप डिस्कशंस वगैरह कर पाओ जस्ट लाइक आई डिड. तो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मतलब अकेला भी कर लेता हूँ कोडिंग और किसी के साथ भी कर लेता हूँ समझाते समझाते, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी अप्रोचेस. अब मेरा एक सेशन है तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा सेशन अटेंड करने के लिए, वरना मैं 10 आवर्स को 12 आवर्स ही बना देता. उससे पहले जाते जाते मैं अपने कुछ स्नैक्स वगैरह भी फिनिश करना चाहता हूँ. तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आई विल कीप अपलोडिंग सच काइंड ऑफ चैलेंजेस, लॉन्ग कोडिंग चैलेंजेस. तो यार इन चैलेंजेस से इंस्पायर होके आई होप आप लोग भी कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट करेंगे और आप लोग अच्छी जगह पर प्लेसमेंट लेंगे. लेट अस मीट इन अनदर वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.